नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के रिंग में विनेश फोगाट का फाइनल में ना पहुंचना, 50 किलोग्राम के भार में 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने की वजह से विनेश फोगाट फाइनल का मैच नहीं खेल पाती है। कुश्ती के रिंग में गोल्ड नहीं जीत पाती है विनेश फोगाट, लेकिन उसके बाद विनेश फोगाट संघर्ष करती हुई नजर आई। कुश्ती से संन्यास की भी खबरें आई और साथ ही साथ पूरा देश उनके साथ उनका हिम्मत बांधते हुए खड़ा हुआ नजर आया। आज विनेश फोगाट पेरिस से वापस भारत लौट आई हैं और अपने पैतृक गांव हरियाणा में पहुंची हैं, और ऐसे में देखा जाए तो विनेश फोगाट का जमकर स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ विनेश फोगाट का स्वागत हरियाणा में, तो दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना। 1 अक्टूबर से विधानसभा का चुनाव हरियाणा में शुरू हो जाएगा, एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन विनेश फोगाट का जब स्वागत हरियाणा में किया जा रहा था तो उस स्वागत में विनेश फोगाट का परिवार या भाई ही नहीं बल्कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसद रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विनेश फोगाट का स्वागत किया। और वही दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने विनेश फोगाट को लेकर ये कहा कि राज्यसभा के लिए अगर बहुमत ज्यादा होता तो उन्हें आगे करते। अब ऐसे में सवाल बनता है कि विनेश फोगाट क्या चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विनेश फोगाट के प्रति इतना यहाँ पर मान सम्मान दिखाने के साथ साथ उनके प्रति पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देना, क्या इस और इशारा करता है कि विनेश फोगाट की भी राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आएगी? ये सवाल यहाँ पर बनता है। सवाल का जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है, विनेश फोगाट की बात करें तो अब वो हरियाणा में आ चुकी हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं उनका, तो एक ऐसा चेहरा उनके स्वागत में नजर आता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्या लगता है हरियाणा का चुनाव और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विनेश फोगाट को तवज्जो ज्यादा देना, क्या राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से फिलहाल हरियाणा की अगर स्थिति देखी जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और अब उसकी कवायद शुरू हो चुकी है, और ऐसे में देखा जा रहा है विनेश फोगाट को लेकर काफी ज्यादा हरियाणा में चर्चाएं रही, क्योंकि जब फाइनल में पहुंचने से पहले यहाँ 50 किलोग्राम में यहाँ 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा पाया जाना और उसके बाद तमाम यहाँ पर उन पर कहीं ना कहीं पूरे देश का आकर्षण रहा और ऐसे में देखा गया दुनिया भर, देश ही नहीं दुनिया भर से यहाँ पर लोग उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए कि 50 किलो वेट में यहाँ पर 100 ग्राम कैसे ज्यादा हो गया, आखिरकार किस लापरवाही के चलते उनके साथ ऐसा हुआ। और ऐसे में देखा गया, तमाम यहाँ पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम यहाँ पर जितने भी सियासी पार्टी है वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के समर्थन में उतरती हुई नजर आई और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको लेकर यहाँ पर बोलते हुए नजर आए और उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से यहाँ पर वो उनकी तारीफ करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, तो बेशक ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाए और जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर उनके माफ कीजिएगा हाँ कांग्रेस पार्टी उनको यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ पर पद देती हुई नजर आए और जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है और ऐसे में देखा जा रहा है सीएम नायब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सीएम के तौर पर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। और अब देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह का माहौल है, उसके बाद यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा यहाँ पर बयान दे देना या ये बात कह देना कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि अगर यहाँ पर विनेश फोगाट हरियाणा में अब लौट आई हैं तो अब कहीं ना कहीं वो राजनीति में भी एंट्री कर सकती हैं और राजनीति में अगर एंट्री करती हैं तो बेशक यहाँ पर कांग्रेस में उनको एक तवज्जो एक नया यहाँ पर स्थान मिलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में अगर वो उतर जाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो बेशक वो आगे और नए मुकाम पर पहुंच सकती हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से अब स्थिति फिलहाल हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर बनती हुई नजर आ रही है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर इस तरह से समर्थन करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका दे सकता है। देखिए बिल्कुल, विनेश फोगाट वो चेहरा है जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सरन सिंह पर
यौन शोषण के आरोप लगे थे और उसके तर्ज पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं और विनेश फोगाट इंसाफ पाने के लिए सड़कों पर नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए आई है। अब हरियाणा में तो चुनाव है ही, कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलना किस और इशारा करता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।